नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। मशहूर सिंगर बप्पी लहरी का मंगलवार देर रात 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके डॉक्टर ने उनके निधन की खबर को कंफर्म करते हुए कहा कि सिंगर कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे। बप्पी लहरी को डिस्को किंग के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही स्टार सिंगर अपनी अतरंगी ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी मशहूर थे। बप्पी लहरी हमेशा भारी मात्रा में सोने के गहने पहनते थे, जो उन्हें हर किसी से अलग बनाता था। कभी भी बप्पी लहरी बिना गोल्ड के पब्लिकली नहीं देखे गए। बप्पी लहरी ने कई बार अपने इस अंदाज के बारे में बातें की। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कभी बिना सोने से लदे देख लिया जाता है तो लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका सोने के प्रति आकर्षण कैसे हुआ? सोने के लिए अपने प्यार के बारे में बात करते हुए बप्पी लहरी ने बताया था कि सोना मेरे लिए लकी चार्म है। जब मैंने जख्मी की रिकॉर्डिंग की तो मेरी माँ ने मुझे एक सोने की चेन दी जिसमें एक लॉकेट था जिसमें भगवान का नाम था। जब मेरी शादी हुई तो श्रीमती लहरी ने कहा कि सोना बहुत भाग्यशाली होता है। जैसे जैसे मेरा वैवाहिक जीवन बीतता गया, मेरी सोने की जंजीरें बड़ी होती गईं। लेकिन हाँ, मेरे गले में सोने के गणपति मुझे सुरक्षित रखते हैं। उन्होंने 2009 में हिंदुस्तान टाइम्स को बताया था कि आज अगर कोई सोने की चेन पहनता है तो लोग कहते हैं कि बप्पी लहरी की नकल क्यों कर रहे हो। ऐसी छवि बहुत कम लोगों की होती है। एल्विस प्रेस्ली के पास सोने का क्रॉस था, माइकल जैक्सन के पास धूप का चश्मा और एल्टन जॉन के पास टोपी। द कपिल शर्मा शो न केवल भारत बल्कि विदेश में भी काफी लोकप्रिय है। शो के हर एपिसोड अपने आप में खास होते हैं। आने वाले एपिसोड में भी हंसी की डबल डोज मिलने वाली है। द फेम गेम की टीम माधुरी दीक्षित, मानव कौल, संजय कपूर और लखवीर सरन और मुस्कान जाफरी शो की शोभा बढ़ाने आ रहे हैं। सोनी टीवी ने अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो भी शेयर किया है। कपिल माधुरी दीक्षित से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके कॉलेज के दिनों में भले ही लड़कों के पास पैसे ना हो, लेकिन अपने पर्स में वो माधुरी की फोटो जरूर रखते थे। कपिल आगे कहेंगे कि जब लड़के लड़कियों को फूल मारते हैं तो लड़कियों को अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि वो माधुरी दीक्षित है। आगे कपिल ने कहा कि माधुरी पहली एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी खांसी पर भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। कपिल माधुरी से पूछेंगे कि उन्हें कैसा लगता है जब इतने सारे लोग एक साथ उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिस पर माधुरी ने मजेदार जवाब दिया। एक्ट्रेस ने कहा कि ऐसे में मुझे सिर्फ डॉक्टर नैने की याद आती है। आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित पहली बार द फेम गेम के जरिए अपना डिजिटल डेब्यू कर रही हैं। ये वेब सीरीज 25 फरवरी को आने वाली है। स्टार प्लस का सबसे लोकप्रिय शो 13 साल बाद टीवी पर वापस आने वाला है। स्मृति ईरानी का क्योंकि सास भी कभी बहू थी शो फैंस के लिए अच्छी खबर है। दर्शकों की प्यारी तुलसी अब जल्द टीवी स्क्रीन पर दिखने वाली है। 2000 में शुरू हुए सीरियल 2008 में खत्म हो गया था। इतने सालों के बाद एकता कपूर का ये सीरियल दोबारा प्रसारित होने वाला है। तुलसी मिहिर की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। एकता कपूर ने इस शो का प्रोमो को शेयर करते हुए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने स्मृति ईरानी और रोनित रॉय को टैग करते हुए पूछा, इतने सालों के बाद प्रोमो देखकर कैसा लग रहा है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी बुधवार से स्टार प्लस शाम 5 बजे टेलीकास्ट होगा। राखी सावंत ने हाल ही में अपने पति रितेश के साथ रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर दिया। दोनों ने बिग बॉस 15 में एक साथ एंट्री ली थी। पति से अलग होने के बाद राखी सावंत काफी उदास नजर आ रही हैं। उन्होंने ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि रितेश ने उनके कॉल्स लेना बंद कर दिया है और उनकी मां से भी बात नहीं कर रहे हैं। राखी ने कहा कि शादी के बाद रितेश कम ही उनके साथ रहे, हालांकि उन्होंने साथ में पति पत्नी की तरह रहने की काफी कोशिश की। राखी ने बताया कि उन्हें रितेश की पहली शादी के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद काफी कुछ सामने आया। बावजूद इसके उन्होंने पति के साथ अपने रिश्ते को चलाने की कोशिश की। राखी का कहना है कि वो मां बनना चाहती हैं, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा टिक नहीं पाया। एक्ट्रेस ने कहा कि अगर रितेश अब उनके पास वापस आना चाहते हैं तो उनके पास अपना घर और कार होनी चाहिए। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का मंगलवार को एक सड़क हादसे में निधन हो गया। दिल्ली के पास कुंडली मानेसर हाईवे पर उनकी गाड़ी की एक ट्रॉली से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक्टर की मौत हो गई। हादसे के वक्त दीप के साथ गाड़ी में एक महिला भी सवार थी जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद सिद्धू को खरखौदा अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुई हिंसा की साजिश में सिद्धू का नाम भी शामिल था, जिसके लिए उन्हें 2 बार गिरफ्तार भी किया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।